ने बॉक्सेस में, पन्नियों में, हर एक चीज़ में भर भर के निकाला है। ये हो रही है धुलाई, यहाँ पे साफ सफाई खत्म नहीं होगी भाई साहब। जो चद्दर है ना भाई, वो सब भी धोने में। तू परफेक्ट करने जाएगा ना तो परफेक्ट नहीं होगा भाई साहब। अभी कॉमेडी क्या हुई है बताता हूँ। तो हे गाइस, कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए आपसी एक ब्लॉग में। भाई साहब आज ना हम कर रहे हैं अपने घर की सफाई। मतलब ये रूम आपको दिखा दूँ ना, एकदम गंदा पड़ा हुआ है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी बज गया शाम के 5:30 लगभग अभी तो गर्मी थोड़ी कम हुई है। तो हम ये सारा जितना भी है ना सामान, बर्तनों को एक तरफ, कॉपी किताबों को एक तरफ और बाकी का जो भी सामान है वो सब अलग 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 करके रखेंगे। शुक्ला अपना सामान एक तरफ रखेगा, मैं अपना एक तरफ, और ये जो पानी की बॉटलें हैं ना भाई साहब, ये इस प्यासे ने पी है। इतने जितने दिन मैं यहाँ पे था नहीं ना रूम में, तो उतने दिन इसका पानी का जुगाड़ हो नहीं पाता था। तो ये बॉटल ला ला के इसने इतनी सारी पी, और फिर मैं आया तो 2-3 दिन मैंने भी पानी पिया ऐसे ही ला ला के। फिर अभी हमने जाके वो पानी का ये लगवाया, इसमें भी एक चुल्ली हो गई भाई साहब। आज जो वो जग देखे गया ना टूटा हुआ है, तो ये देखो कुर्सी में पूरा का पूरा ये पानी भर गया है, ये गड़बड़ी अलग हो गई है। तो अभी ये सब चीज़ें भी जितनी दिख रही है ना, ये सारा का सारा साफ़ करना है भाई साहब। तो अभी करते हैं, धीरे धीरे काम निपटाते हैं, क्योंकि पीछे तरफ है ना छांव आ गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो बस ये यहाँ पे पूरी की पूरी छांव आ गई है, और इसी छांव में जो भी हमारा जितना भी सामान है ना, वो तो सारे यहाँ ला ला के एक एक करके पटकेंगे भाई साहब। तो नीचे कौन सा रखना है अपने को सारा? अरे कुछ वैसा नहीं होगा ना, अपन बॉक्स में और उन सब चीज़ों में कर देंगे ना, थैली में। तो सारी थैलियाँ ला के यहाँ पे रखेंगे भाई साहब, और फिर उसके बाद रूम में पानी मार देंगे, मतलब धो देंगे, पूरा का पूरा धो जाएगा। करते हैं अभी फटाफट से ये इतना काम कर लेते हैं। कूलर चल रहा है तो अंदर बड़ा ही अच्छा लगता है, और बाहर निकलो तो वाटी लग जाती है, बहुत ही गंदा है भाई। ये देखो हालत, यहाँ से देखो हालत, ये सब धोना पड़ेगा। जितना भी आपको दिख रहा है ना ये देखो भाई साहब, ये इतना बड़ा बैग, ये पूरा का पूरा बैग भर दिया है बोतलों से, ये बाहर रखा है क्योंकि ये देख के तो सबसे ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, सब जगह पे फैले हुई थी। एक एक बोतल कहाँ ले लेके जाने का, दबा दबा के भर दिया। अभी इसको बाहर रखते हैं, बाद में इसका जुगाड़ करेंगे, बेच देंगे, क्या बोलते हैं? पैसा 150 रुपया देगा, रखूंगा भाई। वहाँ से गिरा तो वाट लग जाएगी, वहाँ मत रख, सही में हवा चली गिर जाएगा, नीचे ही रख अभी। चलो भाई अब अगला, ये बंद हो जाएगा तो फिर काम खत्म। अब लगेगी गर्मी, पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे इतना सारा कचरा निकला है। ये इतना सारा रूम का हमारा जितना भी सामान है, हमने बॉक्सेस में, पन्नियों में, हर एक चीज़ में भर भर के निकाला है, और रूम भाई साहब एकदम हो गया है क्लीन। क्लीन मतलब इसको करने का है क्लीन, सिर्फ भगवान जी को छोड़ के। भगवान जी को कल हम सुबह साफ़ करेंगे। ये धोने वाले जो कपड़े हैं इनको साइड कर दिया गया है, और यहाँ पूरा रूम है। अब ये कूलर में पानी भरा है मेन, तो इसको उठा नहीं सकते क्योंकि ये इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, हिलम हिल होकर पता नहीं क्या ही टूट जाए। तो अभी यहाँ पे पूरे रूम में पानी डालेंगे, झाड़ू मार दिया एक बार, और गंदगी सारी की सारी, ये देखो बाहर दिख रहा होगा आपको, ये सारा इतना सारा कचरा निकला है, ये सारा कचरा अभी झाड़ू मारते हुए पूरा बाहर निकालेंगे। और ये देखो लाइन से ये सब फेंकने वाली चीज़ें हैं, ये बॉटल वाली सब, ये जूते वूते तो ये सब मेरे ही हैं, बाकी ये सब अंदर रखने हैं। तो अभी बस पानी डालते और साफ़ कर लेते भाई, कि शाम डल रही है। मार दो हटा, मतलब ये जो कचरा है ना ये डस्ट, हाँ इस पर पानी डालेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा, एकदम कड़क हो जाएगा। साइंस मत फेल यार तू, सही में। हाँ तो हटा रहा हूँ ये, वहाँ पे सीढ़ी पे डाल दे, फिर वहाँ से एकदम से एक बार में पानी सुख सुख करके चले जाएगा। है कि नहीं भाई साहब? तब तक तू कर, मैं अंदर तब तक पानी डालता हूँ। सबसे ज़्यादा इस कोने में कचरा रहता है, ये करना पड़ता है भाई जब आप रहते हो अकेले। वो वाला झाड़ू देना पहले, मैं ना दरवाज़ा बंद करता हूँ ये वाला, क्योंकि ये दरवाज़ा बंद करना ज़रूरी है, तभी ये जो कोने कोने का जो कचरा है ना ये तभी निकलेगा साला। और अपने को एकदम मस्त तरीके से क्लीन करना है। ये हो रही है धुलाई, और यहाँ पे साफ़ सफाई ख़त्म नहीं होगी भाई साहब। जो चद्दर है ना भाई साहब जिसमें हम सोते हैं, चद्दर और तकियों के कवर, वो सब भी धोने में डालना। यहाँ पे एक मग्गा पानी डाल इधर। ओ भाई अबे इधर 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 ये कोने में डाल। पहली बात तो ये झाड़ू में दम नहीं है ज़्यादा, अभी काम चला। तुमको रहते हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। What? हमको रहते हुए 3-4 साल। 3 साल तो इस एक्सपीरियंस, यू नो हम सीनियर खिलाड़ी हैं भाई साहब। देख जैसे कि हमने आपको बताया कुर्सी में से, ये जो क्योंकि पानी का हमारा कैंपर है भाई, चौक भी है यार। अबे सब गिरा, आपको साफ ही करना है सब। मत
रुक रुक रुक, हो गया भाई रूम का साफ। तो ये रूम की जितनी भी साफ सफाई होनी थी हो गई भाई साहब एकदम मस्त। अब बाहर की बची है, बाहर की कर देते हैं तब रूम सूखेगा। मैं क्या बोलता, पानी इधर इधर ही मार दूँ, उधर मारने की जरूरत नहीं, उधर पानी वानी मारने की जरूरत नहीं है ब्रो। तू परफेक्ट करने जाएगा ना तो परफेक्ट नहीं होगा भाई साहब। बाल्टी दे बाल्टी, घर से मार दूंगा ना तो भी चलेगा, यहाँ से मार देता हूँ होना शुरू साले, एलर्जी मेरे को हो तेरे को रहा है। मेरे को भी है बे। हाँ कब से भाई? मेरे को ठीक आती है एलर्जी नहीं। इसको ठीक एलर्जी ही बोलते भाई बोलता। अभी भाई साहब रूम पूरा साफ हो गया, सामान हमने ये सारा एक कोने में डाल दिया जितना भी लगेज वाला सामान है, और उसके अलावा ये देखो इतनी जगह आ गई है क्योंकि आज शुक्ला भाई साहब जाने वाला है अपने घर। अभी कॉमेडी क्या हुई है बताता हूँ। अभी ये वापस बंद हो गया बे। ये बोर्ड भाई साहब जो है ये यहाँ से, मैं एक तो इतनी देर से हम इस बोर्ड को ढूंढ रहे थे भाई साहब, ये इतनी देर से ये बोर्ड मिल नहीं रहा था, जब मिला तो मैंने यहाँ पे प्लग लगा और ये हाथ से छूटा और छूटते ही भाई साहब इसका फ्यूज उड़ गया। अभी ये ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि यहाँ पे सारे स्विचेस ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है और प्लग वहाँ पे भी ऊपर ही है, तो अगर ये भाई साहब ऊपर रहेंगे तो मेरे को ना चार्ज करने को होगा ना तो कुछ बनाने को होगा, और ये जो इसकी लाइट जल रही है ना ये गिरते ही फूट गया भाई साहब, तब से ही आते ही जीने का असली सुख यही है भाई। अभी रूम तो साफ हो गया है, अभी फिलहाल तो एक ही गद्दा रखा है क्योंकि ये रहेगा नहीं कुछ दिनों तक, कूलर यहाँ पे ही सेट रखा है, बाकी देखते हैं फिर। अभी हम सोच रहे हैं वो जो कपड़े रखने वाला रैक होता है ना जिसमें कपड़े रखते हैं, तो हमारे कपड़े इधर उधर ना पड़े रहे, जैसे कि इसके ऊपर हम यहाँ पे लटका देते हैं भाई साहब तो ये ऐसे लटके ना रहे, तो वो एक रैक मंगा लेंगे तो मतलब मस्तन फोल्ड करके उसमें रखेंगे तो वो बढ़िया रहेगा। ये आप सही में नहीं जल रही है, अभी देख फिर वापस बंद हुआ, अभी इसको जुगाड़ करना पड़ेगा, देख हाथ लगाने से जलता है, ये देख ये चीज़ को छूना पड़ता है, फिंगरप्रिंट है नहीं भाई, ये इस साइड रहेगा ना तो ये जल रहा है मतलब। उधर कर ये वाले को इस साइड रख, इस पे मैं सोने वाला हूँ, मोटे वाले को इधर रख करना। टाइम कितना हो गया कुछ खबर है? पता नहीं, एक गाड़ी लाना भाई पहले। क्या लाना? घड़ी 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 कौन सी घड़ी? देखने वाली घड़ी, क्लॉक क्लॉक, घर बसाना है, क्लॉक घर बसाना है, घड़ी नहीं देखने। घड़ी मोबाइल में होती है, हाथ में पहनते हैं फिर भी इसको क्लॉक वाली घड़ी चाहिए। इसलिए बता दो, सुबह उठा 8:25 हुआ तो देखा मोबाइल देखना, नहीं घड़ी देख के भी मोबाइल ही देखेगा पहले, ये बता भाई, रूल नहीं है भाई कि सो के उठते ही मोबाइल देखना है। तो सो के उठते टाइम देखने का ऐसा, सो के मैं सिर्फ मोबाइल नहीं देखता टाइम, तो हाथ में घड़ी पहनने वाली दिला देते हैं ना फिर वो सही रहेगी। यहाँ घड़ी खरीदो और फिर घड़ी के लिए कील अलग से ठोको टांगने के लिए। और भी सेट करना है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऊपर चली जाएंगी, ऊपर भी स्पेस क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो आधी से ज़्यादा चीज़ों को हम ऊपर भेज देंगे तो नीचे और जगह खाली हो जाएगी। 7 बज गए भाई साहब, इसको भी निकलना है अहमदाबाद के लिए, ये जा रहा है मतलब 6 दिन के लिए जा रहा है, 6 दिन बाद आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना, लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए व्यूअर हो तो हमारे और भी जाके वीडियोज़ देखना, अगर वो अच्छे लगते तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अपने मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I'm so happy.